ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी बिल्कुल सीधा होकर बैठे, ध्यान रहे अगर आप कुर्सी पर सोफे पर बैठे हैं तो आपके पैर के तलवे जमीन को टच होते हुए और जमीन के और पैर के तलों के बीच में जो है चप्पल या फिर कुछ ना कुछ उसके बीच में इन बिटवीन हैज टू बी देयर, मे बी एन आसन, ब्लैंकेट या चादर, वॉट एवर इट इज। सिर को सीधा रखते हुए ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ले आए। सभी ज्ञान मुद्रा ले सभी एंड यू शुड स्टार्ट चैंटिंग ओम। Please continue chanting Om, which relaxes you, which refreshes you, which rejuvenates you. It makes you calmer. It makes you lighter. और सभी रिलैक्स हो जाएं। लाइफ इज नॉट टू फाइंड, इट इज टू चूज। जिंदगी वो नहीं है
जो हम देख रहे हैं, जिंदगी वो है जो हम चुन रहे हैं, बढ़ती हुई बीमारियां, जिंदगी के बढ़ते हुए चैलेंजेस, कंसर्निंग सिचुएशंस एंड सरकमस्टांसेस, बदलते हुए हालात, घटती हुई सहन शक्तियां और बढ़ता हुआ अहंकार, आज इंसान इतना ज्यादा स्वार्थी हो चुका है कि वो शायद दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। जिंदगी के जिम्मेदारियों के दायरे में इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है, बस दो पार्टों के बीच में पिस कर रह जाता है। बहुत ही सुंदर गीत पहले हम सुनेंगे, आंखें सभी बंद रखें, क्योंकि इसके बाद हम एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन में चलेंगे। मैंने पहले ही कहा है आपसे कि सबसे ज्यादा डैमेजिंग पैटर्न्स इंसान को तोड़ने वाले तीन इमोशंस होते हैं, क्रिटिसिज्म, फियर, रिजेंटमेंट। थ्री इमोशंस द मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न्स फॉर द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ आर क्रिटिसिज्म, फियर एंड गिल्ट। यस नाउ, कोई भी आंखें नहीं खुलेगा, बस इस गीत के साथ आप जिंदगी के वो दर्द भरी दास्तानें विजुलाइज करें जो भी आपकी जिंदगी में है। यहां जो आज भी कुछ दुआएं हुए हैं, is a powerful yoga program with Sadhguru to cleanse your zindagi kya hai eyes closed please darya na jina yahan bas mein na marna yahan bas mein ajab duniya zindagi सभी दर्द भरी दास्तानों को जिंदगी के कुछ कह पाए, दिल अपना हंसता है खुद पर और कभी रोता जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया जिंदगी क्या कांटे अच्छे इस गुलशन में कदम कदम पर
एक नया धोखा है नया धोखा। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में न मरना यहाँ। दुनिया है बेगानों की, कौन यहाँ अपना है यहाँ अपना। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में न मरना यहाँ बस में। अजब दुनिया जिंदगी क्या है। सीने में तूफान, ना कोई मंजिल है दिल की, ना कोई रास्ता है कोई रास्ता। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में न मरना यहाँ बस में। अजब दुनिया है जिंदगी क्या। कहाँ थे तुम? ऐसे पूछ रहा जैसे मैं भाग गई थी किसी के साथ। थोड़ी देर रुक जा, बस कुछ। सभी अपने साथ रहें। बचपन से लेकर आज तक कई ऐसे मंजर, कई ऐसे लम्हे, कई ऐसी वारदातें, मजबूरियां, जिम्मेदारियां, या फिर जहां हम जिस सिचुएशन में हैं वहां हमारी पोजीशन, ये सभी बातें चाहते हुए भी हम उनसे ओवरकम नहीं कर पाते हैं। अंदर ही अंदर पिसते चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी सदा के लिए रूठ सी बैठी है। एक ऐसा बोझ जिसको साथ घसीटते हुए ले जा रहे हैं हम,
और जिंदगी पूरी तरह दिशाहीन हो चुकी है, पूरी तरह लाइफ इज सफरिंग ऑन ऑल द लेवल्स। कई बार हमने कोशिश की होती है कुछ बोलने की, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जाता है, या फिर हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हालातें हमें बिल्कुल भी उसके अनुकूल नहीं मिल पाती हैं। याद करें वो कौन से लोग, वो कौन सी बातें, वो कौन से मंजर जहां पर हम चाहते हुए भी, सही होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, हेल्पलेस, होपलेस। इरिटेशन, एंगर, अनायंस हर किसी के लिए हमारे दिल से उमड़ता है बाहर, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मरते भी रहते हैं और करते भी रहते हैं। ऐसी हालातों में हमारा शरीर हर तरह से टूटता चला जाता है, बिखरते चले जाते हैं हम, बिना किसी मंजिल के दिशाहीन होते चले जाते हैं। लुईस एलहे कहती हैं कि जब तक हम अपने नाराजगी को, अप्रसन्नता को, रिजेंटमेंट को डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, नथिंग गुड कैन कम टू अस। इतने सारे ब्लॉकेजेस हमने खड़े किए होते हैं अपने आसपास में, आशा की किरण चारों तरफ से मानो खो सी चुकी होती है। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन की तरफ चल रहे हैं हम, इसका नाम है रिजेंटमेंट डिसॉल्विंग। रिजेंटमेंट का पैटर्न इवन कैंसर को ले आता है। रिजेंटमेंट को डिसॉल्व करते ही हम बहुत ज्यादा हल्के होने लगते हैं। लुईस एलहे कहती हैं कि सभी परेशानियों की जड़ है अनफॉरगिवनेस। जब हम तहे दिल से कुछ को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हमारी नाराजगी और रिजेंटमेंट हमें हर तरह से मानो तोड़ता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। आइए एक बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल मेडिटेशन की तरफ चलेंगे हम। विजुलाइज करें, विजन बनाएं। आप किसी बोट क्लब के किनारे खड़े हैं, आप एक किनारे पर खड़े हैं, वहां एक नाव है बोट, और उसी के दूसरे शोर पर, दूसरे किनारे पर और एक नाव खड़ी है। बोट क्लब, दो किनारे, दोनों किनारों के पास नाव, एक नाव में आप सवार हुए। नाव की पतवार आपके अपने हाथों में,
और अब आपने पतवार को घुमाना शुरू किया और आपकी नाव चल पड़ी है दूसरे किनारे पर, जहां से और एक नाव, जहां पर उन सभी लोगों को आप विजुलाइज करें जिनके साथ आपके अनबन, मनमुटाव, टकराव, असहमति, डिजनमेंट, लगातार क्रिटिसिज्म, नॉन एक्सेप्टेंस बना ही रहता है, वो चाहे एक, दो, तीन या पांच भी लोग हो सकते हैं। विजन बनाएं कि सभी लोग आपके बचपन से, जिन्होंने भी आपको प्यार नहीं दिया, अपनापन नहीं दिया, जिंदगी को उस नाजुक उम्र में भी लैकिंग लिमिटेशन फील किया आपने, तो चाहे तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, इन-लॉज हो सकते हैं, या फिर आपकी अपनी ही औलाद। विजन बनाए जिंदगी के वो दर्द भरे जख्म जिनसे आप कभी हील नहीं हो पाए हैं, वो रोष, वो आक्रोश, वो नाराजगी, वो प्रसन्नता लगातार आपको पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करा रहे हैं कि सभी लोग, चाहे एक, दो, तीन या पांच या उससे ज्यादा, अब देखें सभी उन सारे आपके लोगों को जिनसे आपको जिंदगी में दुख मिला है, असहयोग मिला है, नाराजगी मिली है, आपकी बेबसी को, आपकी लाचारी को इन लोगों ने टेकड़े से ग्रांटेड लिया है, वे बने ही आपको ऊपर जुल्म करने के लिए, आपके साथ बेइंसाफी करने के लिए, जिनकी वजह से आप पूरी तरह जिंदगी में टूट चुके हैं। वहां से उन सभी लोग जिनके प्रति आपके अंदर आक्रोश है, नाराजगी है, क्रिटिसिज्म भरा हुआ है, कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से आपके मन में डर बैठा हुआ है कि शायद ऐसा ना किया तो और ज्यादा बड़ी मुसीबत मेरे साथ हो सकती है, धीरे धीरे आपकी पतवार एक शोर से दूसरे शोर की तरफ, एक एक पतवार का राउंड सर्कुलेशन आपकी नाव को धीरे धीरे दूसरे शोर की तरफ, जहां से वे सभी आत्माएं व सभी लोग उस नाव में है जिनको आप आज तहे दिल से क्षमा करना चाहते हैं, अपनी नाराजगी को, अपने रिजेंटमेंट को, अनायंस को, एंगर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं, जो न सिर्फ आपको, आपके शरीर को, आपके संबंधों को, आपके जीवन की खुशी को, आपके लाइफ के जॉय को पूरी तरह नष्ट करके रखा है। धीरे धीरे वहां से भी नाव आपकी तरफ आते हुई, दोनों ही नावें, एक में आप सवार हैं, एक में वो सभी लोग, वो सभी आत्माएं जिनके प्रति आपके मन में रोष है, नाराजगी है, असहमति है, अप्रसन्नता है, अनायंस एंड रिजेंटमेंट। धीरे धीरे दोनों ही नाव और भी करीब अब आप दूसरी नाव के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं।
आपने अपनी नाव को खड़ा किया और सामने से आती हुई नाव वो भी अब आपकी नाव के पास आके खड़ी हुई है। ध्यान रखें आपकी और उस उनकी नाव में इतना फर्क है कि आप इस नाव से जंप करके या लांग कर उस नाव में नहीं जा सकते हैं, न कोई वहां का व्यक्ति आत्मा इस नाव में प्रवेश कर सकता है। सेफ डिस्टेंस बिटवीन योर बोट एंड द बोट वी नीड टू फॉरगिव। अब दोनों ही नावें एक दूसरे के सामने कुछ अंतर पर स्थिर हो चुकी हैं। आप इन सभी आत्माओं को, इन सभी व्यक्तियों को देख रहे हैं, एक के बाद एक सभी को आप देख पा रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत होना संभव नहीं है यहाँ, क्योंकि अंतर ज्यादा है। नाव में ना तो आप बात कर सकते हैं, ना आप यहां से वहां या वहां से यहां कोई आ सकता है। विजुलाइज करें ऑलमाइटी अथॉरिटी को, सर्वशक्तिवान को, क्षमा के सागर, रहम के सागर, करुणा के सागर, परमपिता परमात्मा, पतित पावन, पवित्रता के सागर, जिनकी छत्र छाया के नीचे अब दोनों ही बोट्स खड़ी हुई हैं और आप परमात्मा के सानिध्य में उस अल्माइटी अथॉरिटी के साथ, उनकी किरणों के साथ में पूरे फोकस्ड हैं आप इस वक्त। शरीरों को नहीं देख रहे हैं आप इस वक्त, सिर्फ उनके शरीर के बीच में चमकती हुई बिंदियां, पॉइंट ऑफ लाइट्स। आप अपने आप को भी एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देख रहे हैं। बॉडीलेस स्टेज, और अब भगवान को सामने रखकर उनकी किरणों के सानिध्य में रहम दिल, करुणा का सागर, क्षमा का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, इनकी सर्व शक्तियों की किरणें आपके भ्रुकुटी में समाती हुई, भरपूर करती हुई ये किरणें आपको, अभिनय किरणों को आप प्रवाहित करें उन सभी आत्माओं की तरफ जो उस बोट में बैठी हैं। बिल्कुल ही देही अभिमानी स्टेज, आत्म अभिमानी स्टेज, कि सभी आपको इस वक्त पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में चमकती हुई बिंदियां नजर आ रही हैं। सभी आत्माओं से आप कह रहे हैं कि हे आत्माओं, जाने अनजाने मुझसे कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट बन गया हो, किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में, किसी भी देह में अगर कोई ऐसा अकाउंट बना है जिसकी वजह से आज मैं इस मुसीबत में हूं, सफरिंग में हूं, मैं अब भगवान को सामने रख के आप सभी को तहे दिल से क्षमा करती हूं। जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है या हुआ है,
वो मेरा ही अपना कर्म का अकाउंट है जो मुझे हर हालात में रीपे करना है। अगर जानती हूं कि जब तक मैं अपने साथ रिजेंटमेंट को, अनफॉरगिवनेस को नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। नथिंग गुड कैन कम टू मी। आई बी अट्रैक्टिंग ऑल द सफरिंग्स, रिजेंटमेंट्स, वरीज, केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन आज परमात्मा की छत्र छाया में विश्व कल्याणकारी के रूप में, मास्टर ज्ञानी जाननहार के स्वरूप में, उन सभी आत्माओं को तहे दिल से क्षमा मांगती हूं। आई आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। और मैं चाहती हूं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है, सभी निर्दोष हैं। आई लेट गो ऑल द रिजेंटमेंट्स जो भी मैंने क्रिएट किए हैं हालातों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग संबंधों में। मैं तहे दिल से चाहती हूं कि भगवान आप सभी का भला करें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इस सभी आपके क्षमा भाव को रिसीव कर रहे हैं। मैंने भी अब महसूस किया है और अब मैं उन्हें ब्लेस करती हूं कि I bless you with love। मैंने जो अपने मन में आपके प्रति कड़वाहट भर कर रखी है, मैंने आपके मन में जो प्रतिशोध की भावना भर कर रखी है, मैं आपसे असहमत रही हूं। भले मैं जानती हूं कि मेरा कसूर कुछ नहीं है, बस मेरा कर्म का अकाउंट है ये। अब मैं तहे दिल से आप सभी को रिलीज करती हूं मन के बंधनों से और अब मैं मुक्त हूं। आप सभी भी मुक्त हैं। I bless you all with love। I set you free। You are free। I am free। मैं आप सभी को अब इस बंधनों से मुक्त करती हूं। आप मुक्त हैं और मैं मुक्त हूं। I bless you with love for that। Thank you। थैंक यू, थैंक यू। वापस आप जब वापस लौट रहे हैं, रिवर्स किया अपने बोट, उनकी बोट रिवर्स होकर वापस अपने किनारे पर, आप अपने किनारे पर धीरे धीरे बहुत ही हल्के एहसास के साथ, आपको ऐसा लग रहा है मानो जन्म जन्मांतर का बोझ अब उतर चुका है। आई एम फीलिंग लाइटर एंड मोर रिलैक्स्ड। धीरे धीरे ओझल होती हुई उस किनारे से मेरी नाव, और धीरे धीरे वापस
उसी किनारे पर जहां से मैंने बोट ली थी, अब पतवार गति और सहज, बिल्कुल ही बोझ से हल्की, और अब मैं किनारे पर आ चुकी हूं। पतवार दोनों ही मैंने नाव में रखी और फिर नाव को किनारे पर बांध कर मैं अब सीढ़ियों से ऊपर की तरफ, वहां बहुत बड़ा पत्थर मेरे सामने रखा हुआ है और मैंने अब उस पत्थर को उठाया अपने हाथ में और ये पत्थर मेरी जिंदगी के उन बोझों का स्वरूप है जिसको लेकर मैं जिंदगी में चल रही हूं, बोझिल, बिल्कुल एक अपाहिज की तरह। और आपने धीरे से वो पत्थर उस पानी में फेंक दिया है और आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वापस उस बोट क्लब के किनारे पर आप पहुंची हैं। बहुत ही ताजी हवा लहलाते बाल आपके, ऐसा लग रहा है मानो पूरा बोझ आज मेरे सर से उतर गया है। I'm thanking God, thanking myself, thanking all the souls for accepting my forgiveness. Yes, now, before you open your eyes, दोनों ही हथेलियों को आपस में घर्षण करें। Rub your both palms. अब देख सकते हैं आपके हाथों की tenderness. The moment you release your wettage. अब देख सकते हैं हाथों में बहुत ही ज्यादा टेंडरनेस। अब दोनों हथेलियों को ले जाकर आप आंखों को ढांकें, फील करें इसके वार्मनेस को। इट इज फुली एनर्जाइज्ड, द पाम चक्र इज रेडिएटिंग लॉट ऑफ एनर्जी टू योर आईज, टू योर ब्रेन एंड लेग्स। दोनों हथेलियां अब नीचे ले आए, yes, anybody would like to share? Yes, किसी को शेयर करना है? Yes, both. Yes, please. भाई जी बहुत अच्छा लगा, और जैसे ही forgiveness की बात आई ना तो अचानक काफी चेहरे पास में आते गए, मतलब इवन अभी सोच रही तो पता ही नहीं था कि इतना बोझ था भी क्या, ऑटोमेटिकली एक के बाद आ रहे थे जिसको मैंने कभी रिवाइज ही नहीं किया। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ सर जी, बहुत ही लाइट लग रहा है, मुझे भी बोलना है। हाँ बोलिए विजय लक्ष्मी, बोलिए। आपने जब कहा ना कि पत्थर फेंक देना, उस वक्त जब मैंने फेंका तो मैं वो 10-11 साल की अपनी उम्र में जब गंगा जी नहा के निकलती थी तो कूद कूद के सीढ़ियां चढ़ती थी, बचपना था ना तो बहुत जंप लगा के, तो आज वैसे ही मैं कूद कूद के सीढ़ियां चढ़ी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं भी आज गंगा जी पहुंच गई थी रामझूला घाट पर, रामझूला में बोट चलती है, सेम वैसे ही। मैं भी बेसिकली फॉरगिवनेस मेडिटेशन कराया था तो उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था और आज भी बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से सर बहुत हल्का भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था पहले ही माफ कर दिया था, आज दोबारा माफ किया तो और हल्का। ये जो खास टेक्निक है ये लूसेल है की, इसका नाम है रिजेंटमेंट डिसॉल्विंग, ये बहुत साल पहले करा था मैं। यस यस, हां बोलिए प्लीज। यस प्लीज भाई जी, मेरा ना पूरा बॉडी ना ट्रेम्बल कर रहा है, मतलब कांप रहा है सर, लग रहा है। हां ट्रेम्बलिंग कर रहा है मींस एनर्जी इज मूविंग, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। और अगर ट्रेम्बलिंग होता तो ईएफटी से आप तुरंत ईएफटी कर दो,
इवन इन माई बॉडी इज ट्रम्बलिंग, तो EFT से जो बॉडी का जो सिम्टम है ना वो दिखाता है कि योर एनर्जी हैज रिमूव्ड, योर ब्लॉक इज ओपन या इट हैज शिफ्टेड, एनर्जी हैज शिफ्टेड। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति भावना बोलिए। वो जब पत्थर फेंका ना लास्ट में तो बहुत जोर से आवाज आई पानी में फेंकने की, छपाक जैसे पत्थर फेंक। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, मैंने करीबन ये टेक्निक 20 साल पहले सिखाई है, उसके बाद मैंने कभी दिखा नहीं है, मेरे कंप्यूटर में लिखा है वो। और रिजर्वमेंट डिजॉल्विंग आज मेरा बहुत मन था कि मैं आज कुछ कराऊं, अच्छा कराऊं, तो ना वो एक्चुअली पत्थर है ना नाव के साथ होता है बंधा हुआ, और फिर वो जब उतर जाते हैं ना तो नाव उस पत्थर के साथ डूब जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वहां है, मेरे पास कंप्यूटर में है वो, बहुत पुराना, मैं देख के बताऊंगा आपको। पर ये जो टेक्निक है ना कि हम पत्थर पत्थर को नीचे फेंक रहे हैं या रिलीजिंग अवर लोड, कहने का अर्थ क्या है, वहां पे ऐसा है कि पत्थर शायद, सुरी आपको याद आ रहा है कि कुछ टेक्निक हमने कराई है वहां क्लासेस में, ये बहुत पहले, बहुत लॉन्ग बैक भाई जी। फिर है ना मन गाना गा रहा था कि है ना पंछी बनो उड़ती चलो मस्त। तो भाई जी ने तो थोड़ा बताया, मैंने तो पूरा घर तक विजुलाइज किया कि मैंने मैं घर तक आया। सेम वही था यहाँ पे भी, गाना गाते खाना पे मेरा वीडियो शेयर कर देते थे, टीके पूरे लगवाते थे जाके बैठ के फिर पंडित से। जबकि लड़कियां लगवाती नहीं, उसको प्रपुंड बोलते हैं, शंकर जी का लगाते हैं त्रिपुंड, तो मैं बचपन से लगवाती थी, सब बोलते नहीं लड़कियां नहीं करती, मैं तो कभी सुना ही नहीं जिंदगी में ऐसी बातों को किसी का, ये मेरा एक अच्छा पॉजिटिव रह गया, जो भी आया बाहर गया। विजय लक्ष्मी आपकी ग्रैंड डॉटर का जरा बताइए, बहुत अच्छा अनुभव आपको हुआ है ना? हाँ डॉक्टर, आपने शेयर किया और भले हमने कल क्लास नहीं ली है लेकिन सभी ने देखा है, और मैं तो सिर्फ वो जो आपने पर्सनली मुझे भेजा था तो मैंने देखा उसमें फोटो, मैंने मिरेकल्स में भी भेजा था और बाद में उसमें भेज दिया। मिरेकल्स मैंने देखा नहीं था, मेरे को मैसेज में बताया कि मिरेकल्स में भेजा है, मैंने भी कर दी थी, मुझे लगा कि मेरे इतने महान आत्माएं मेरे जब संग साथी हैं तो नेचुरली सब करेंगे ही करेंगे। उनका क्या हुआ था जरा बताइए प्लीज, टेल सर जी। क्या ना 3 साल की बच्ची है वो, उनके पड़ोसी में कोई नए आए रहने के लिए, तो उन्होंने काम जो करवाया ना मार्बल्स का टाइल्स का सब घर के बाहर कटिंग करवाई, तो उसका जो कटिंग का धूल होता है ना उसको जमता गया आते जाते, घर तो बगल में ही था, और वो जमते जमते इतनी सर्दी, 2-3 महीने में उसको हमेशा सर्दी, फिर फीवर जो चढ़ा उसको थर्सडे से उतरने का नाम ही ना ले, फिर मैं यहाँ से EFT वगैरह करती थी, उतरता फिर चढ़ जाता 3 घंटे में, बाद में फिर बोला डॉक्टर ने चेक किया तो बोला इसको निमोनिया हो गया है, एडमिट करो। फिर ये सूर्या है हॉस्पिटल वेस्ट में, सांताकुज वेस्ट में चाइल्ड स्पेसिस है, 2 ही तो एक क्लाउड है, रहती है, तो यहाँ पे लाके उसको एडमिट किया, तो एडमिट करने के बाद में जो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो फीवर फर्स्ट डे तो आया, सेकेंड डे नहीं आया, फिर आ तो डिस्चार्ज हुई शाम को, फीवर नहीं आया फुल डे तो डिस्चार्ज किया उन्होंने, और वो पास के किसी डॉक्टर का भी दिया है रेफरेंस कि आप वहां भी अब करा सकते हो कुछ हुआ तो उसके साथ स्वेलिंग बहुत हो गया है और खा भी नहीं रहे कुछ। मैंने बोला बेटी को अभी वो धीरे धीरे खाएगी ना, इतना ग्लूकोज में इतना एंटीबायोटिक चढ़ा है तो बच्चा छोटा सा है क्या करेगा। नहीं, क्या है एक्चुअली ये जो बुखार होता है ना वो जानबूझ के भूख नहीं लगने देता है, क्योंकि भूख खाएंगे तो हम जल्दी ठीक नहीं होंगे। बुखार में क्या होता है, कुछ अच्छा लगता है ना, कुछ अच्छा लगता है, फिर हम कुछ ऐसा खाते हैं जो टेस्टी लगे, तो वो तो नेचुरल जो कुदरत की तरफ से ही आता है कि पेशेंट शुड नॉट ईट। खाते भी है तो कौन सा फूड खाना चाहिए, प्लांट फूड या फिर गॉड मेड फूड, नेचुरल फूड। लोग लेकिन क्या करते हैं इसमें, बोलते हैं कि ब्रेड बटर खाओ, ब्रेड स्लाइस खाओ, ये सब जंक फूड होते हैं, एक्चुअली नहीं लेने चाहिए। जैसे अभी दीक्षा बहन आप हैं वहाँ, दीक्षा बहन जी भाई जी हैं, दीक्षा आप है ना, एक मिनट भाई जी मेरा एक्सपीरियंस बोलो अभी का। हाँ हाँ यस, जब आपने बोला ना कि नाव में सारे लोग एक साथ जमा हो जाए, तो उन सबको देख के ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा था पहले तो मेरा, को ऐसा मतलब हार्ट बीट बढ़ रहे थे शुरुआत में, आंखों में आंसू भी आ गया था, ये सब लाइव ऐसा मुझे फील हो रहा था कि ये सब मेरे सामने एक्चुअल में है लोग,
और जब बाद में आपने बोला कि इन सबको माफ करना है और अपने नाव किनारे लगना है, तो वहां पे मैं बिल्कुल ऐसा खाली हो गया था, मेरी सांस भी एकदम नॉर्मल हो गई थी तब तक। इसलिए दोनों एक्सपीरियंस किया। हाँ हाँ, इसलिए हम लोग है ना क्या करते क्या कहते हैं कि आप है ना डिस्टेंस रखो नाव में, ना आप वो उनकी बात, ना वो आपकी बात सुन सकते हैं, ना आप उनकी बात सुन सकते हैं, ना वो आ सकते हैं, ना आप जा सकते हैं। इसलिए वी कीप, वो टेक्निक में ऐसा है कि वी कीप सर्टेन डिस्टेंस। और क्योंकि क्या है कि आप जो देख रहे हैं ना, विजुअलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन में, विजुअलाइजेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिटेक्ट कि ये चीज रियल हो रही है या इमेजिनरी हो रही है। दैट द ब्यूटी ऑफ दिस, आई एम टू से, जो हम विजुअलाइज करते हैं उसका। यस दीक्षा बोलिए आप। थैंक यू। एक दीक्षा बताइए आप। दीक्षा कराऊं ईएफटी में आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो करड़े चौपाइन पे आओ। सब इनके साथ कहेंगे, मैंने क्या बताया आपको कि अगर हम किसी और के प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर ईएफटी कलेक्टिव करते हैं तो आपके अपने प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ठीक होते चले जाते हैं। इसको कहते हैं बोरिंग बेनिफिट्स ऑफ ईएफटी, राइट। तो आज हम इनके लिए करेंगे। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शारदा सोनी। शारदा जी बजरंग भाई हैं आज, वो तो शायद बजरंग भाई हैं, शारदा सोनी हैं। बजरंग भाई तो ग्रुप ही छोड़ दिया है। मैंने उनको बताया ना कि तुम्हारा मेंटल पैटर्न क्या है, यहाँ से आपको पार्किंसन डिजीज हुई है और डर के मारे उन्होंने ग्रुप ही छोड़ दिया। मैंने देखा परसों, ये लेफ्ट द ग्रुप, मैंने ज्वाइन किया उनको और ग्रुप ही छोड़ दिया उन्होंने। शारदा जी आपका जो मिस्टर है ना, हाँ सर, वो आपको तो कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन पूरे कायनात को कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ मेरे अंडर में, ब्रह्मांड को। सही बात है कि नहीं? यस यस यस। देखिए जो पार्किंसन डिजीज है ना, उसका होता है इंटेंस डिजायर। मेरी तहे दिल से डिजायर है कि मैं हर एक को और हर व्यक्ति को कंट्रोल करूं मैं, उसके बीच में ये होता है। तो आपको मैं परसों आप आएंगे तो उनकी जगह पर हम कराएंगे। अभी मैं पहले इनको एक बार करा लेता हूँ, आप भी इनके साथ करोगे क्योंकि आपके मिस्टर की तकलीफ, आपकी तकलीफ है, आपके परिवार की तकलीफ है, राइट। अपाहिज पड़े हैं घर पे, वो हेल्पलेस होपलेस केस में, तो है ना दीक्षा। चलो वील स्टार्ट विथ यू। यहाँ पे टैपिंग करो, यहाँ पे मैं जिंदगी से इस तरह बोझिल हो चुकी हूँ, इस तरह बोझिल हो चुकी हूँ, चाहते हुए भी, चाहते हुए भी, मैं अपने दिल की बातों को, दिल की बातों को, मेरी नाराजगियों को, मेरी नाराजगियों को, मेरी असहमतियों को, मेरी असहमतियों को मैं सामने नहीं रख पाती हूँ, और नहीं कोई, और नहीं कोई मेरी मजबूरियों को समझ पा रहा है, मेरी मजबूरियों को समझ पा रहा है। एक के बाद एक ऑपरेशन, एक के बाद एक ऑपरेशन, उसके बाद मेरे दोनों बेटों का, उसके बाद मेरे दोनों बेटों का अपना प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम, शरीर में मल्टीपल ऑपरेशंस, शरीर में मल्टीपल ऑपरेशंस, इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस, आई एम रियली फेड अप ऑफ ऑल दिस, आई एम वेरी मच फेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार स्वीकार करती हूँ। न जाने कौन से कर्मों का ऐसा कड़ा हिसाब किताब, ऐसा कर्मों का ऐसा हिसाब किताब, मुझे इस परिवार में रहकर, मुझे इस परिवार में रहकर चुकाना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है, और चुकाते 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 मैं इस कदर टूट चुकी हूँ, मैं इस कदर टूट चुका हूँ कि मेरा शरीर, मेरा शरीर मल्टीपल प्रॉब्लम से, मल्टीपल प्रॉब्लम पीड़ित हुआ है, गिर चुका है। आई एम रियली फेड अप ऑफ ऑल दिस, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, इतनी बेबस, इतनी बेबस, इतनी लाचार, इतना लाचार, शायद भगवान, शायद भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए, ऐसे दिन किसी को भी न दिखाए, मैं पूरी तरह, मैं पूरी तरह इन हालातों में,
इन हालातों में दो पाटन के बीच जैसे, दो पाटन के बीच जैसे कोई धुन का दाना, कोई धुन का दाना बिना पैसे रह नहीं पाता, बिना पैसे रह नहीं पाता। बस मैं भी पूरी तरह पिस हो चुकी हूँ। I am really fed up of all this. मेरी जिंदगी की हर तस्वीर को, मेरी जिंदगी की हर तस्वीर को मैंने अपने कर्मांश से, मैंने अपने कर्मांश से एक्शन से अट्रैक्ट किया है, एक्शन से अट्रैक्ट किया है। ये मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का हिसाब किताब है। मैं चाहे तो रोकर अपने आप को असहाय और बेबस समझकर, चलूंगी तो जिंदगी के ऐसे बोझ के समान जहां हर कदम चलना दूभर हो जाएगा। मैं तहे दिल से उन सभी आत्माओं को जो भी मेरे संबंध में है, किस भी रूप में है, I'm really sorry. God, please forgive me. Thank you for resolving my all the issues. Thank you for resolving all my issues. Thank you for empowering me. Thank you for enlightening me. I truly love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं तहे दिल से आज उन सभी को भगवान को साथ में रखकर उनकी शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में क्षमा भाव, रहम, करुणा, दया की किरणें उन सब की तरफ प्रवाहित की हैं। मुझे पूरा विश्वास है अब मैंने जिंदगी की पतवार अब इस प्रभु के हवाले की है जो सारे संसार का रवैया है। दीक्षा कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लगता है। तो परसों जो दो तीन हमने किया कैसा, ये सब करने पर कैसा लगता है? यू आर लुकिंग, आपको जो चेहरा मैंने देखा था ना, मुझे लगता नहीं वही है ये, यू लुकिंग सो एनलाइटिंग, यू आर लुकिंग एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा फैटी ज्यादा हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है मेरा वजन। रिजेंटमेंट की उसके लिए वजह से, एंजाइटी की वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी जो है ना वेट पुट ऑन करता है, बट नथिंग इज रॉन्ग विथ यू, आर लुकिंग चार्मिंग, यू आर लुकिंग ग्लोइंग, यू आर लुकिंग हैप्पियर, यू आर लुकिंग कंटेंटेड। इतना सब परेशान, अगर हमारी आठ ऑपरेशन हुई, कांट इमेजिन वेयर विल बी, एम आई राइट सुरजीत भाई? आठ ऑपरेशन हमारी हुई तो कहां होंगे? नहीं, मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया, इसलिए मेरा फेस थोड़ा सा क्यों होने लगा है। हिम्मत वाली है लड़की ये। ये है ना भावना, बता दूं क्या, कौन है ये? नहीं बताऊं ना, बताइए।
ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। ये भावना की ननन है, ये भावना के मिस्टर की सिस्टर है ये। मैंने जब आपका मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ एक मिनट, देखो दीक्षा आपका जब मैंने पिक्चर देखा था ना और आपको यहाँ देखा ना, आई कुड नॉट, मेरे को लगा उनकी बहन है कोई, वो नहीं है, दीक्षा नहीं है ये। बाद में मेरे को बोला वही थी जो उस दिन आई थी क्लास में, बोला वो तो इतनी अच्छी लग रही थी। नहीं एक्चुअली मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है ना, सबसे मेरा थोड़ा ठीक लगने लगा है, लेकिन क्या फिर भी है ना अंदर से तो टूटी हुई हूँ। नहीं क्या है एक्चुअली, मैंने क्या है एक्चुअली, वो जो इमोशंस आपने क्रिएट किए हैं ना, रोज एक 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 रिलेशन को लेकर है ना, आप ईएफटी करो उसको, हम कहते हैं पीस। आपको अंग्रेजी तो समझती है ना, अंग्रेजी समझती है ना जी जी। आपको पीस प्रोसीजर टेक्निक क्या होती है ना ईएफटी में, राइटिंग डाउन ऑल द इश्यूज ऑफ द लाइफ, ऑल द इवेंट्स ऑफ द लाइफ, जहां पर आपने अपने आपको हेल्पलेस फील किया है ना, समझो किसी भी रिलेशनशिप में, मे बी हस्बैंड, मे बी फादर इन लॉ, मे बी मदर इन लॉ, मे बी द ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी द उसको ननद या देवरानी जेठानी बोलते हैं, उन सभी के साथ जो भी कुछ हुआ है ना, तो एक एक को लेकर आप टैपिंग करो, और रात को सोने के पहले या दिन में है ना, कम से कम तीन तीन इश्यूज को लो, राइट डाउन योर ऑल द इश्यूज। जैसे बच्चे, दोनों बच्चे, एक लड़के का कॉन्सेंट्रेशन पावर कम है, दूसरे बच्चे को अस्थमा है छोटी सी उम्र में ही, जब से दूसरा पैदा हुआ है तो पहला ठीक हुआ, दूसरा फिर बीमार पैदा हुआ है, तो ये सब चीजें जो है ना, दे आर ब्लॉकिंग एनर्जीज। तो हर एक को आप है ना क्या करो, रोज ईएफटी करके एक एक इशू को क्लियर करो, और फिर आपको और जो अंदरूनी बातें करनी है ना, वो आप मेरे से पर्सनली टाइम लेके फिर मैं आपके साथ बैठूंगा, राइट जी? थैंक यू। ओके तो चलो इजाजत लेंगे सभी, शरद भाई के भावना डंडा लेके खड़ी हाथ में हल्रा आपको बोलती है गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ, एनफ इज इनफ। ओम शांति।